नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। हाथरस में मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कोतवाली हाथरस में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ सदर विधायक हरिशंकर माहौर ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सदर विधायक हरिशंकर माहौर ने महिला पुलिस कर्मियों व समाज सेविकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं व जनता के लोगों को सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उपलब्ध सुरक्षा संबंधित सेवाएं एप्लीकेशन आदि के बारे में जागरूक किया गया। वही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, नगर क्षेत्र अधिकारी रुचि गुप्ता, कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र, नगर पालिका चेयरमैन पत्नी गुंजा शर्मा, कवित्री रुविया खान, सुचेता जॉन, सरिता देवी आदि लोग मौजूद रहे। समाचार डिजिट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। श्रीमती सीओ सदर साहिबा और अन्य सभी जो यहाँ पधारे हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी नाथ जी के मिशन शक्ति नारी शक्ति के शुभारंभ के लिए जिले की सभी महिलाओं की ओर से मैं धन्यवाद व सादर प्रणाम करती हूँ और एसएचओ साहब को भी इस कार्यक्रम के लिए मैं सादर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जो यहाँ सीओ सिटी के रूप में नियुक्त हैं तो ये भी आपको आश्वस्त कराते हैं कि जो महिला हेल्प डेस्क है, जो इसका काम है, वो पूर्ण रूप से सक्रिय होकर 24 घंटे निरंतर आपको सेवा देती रहेंगे। और इसी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सम्मान दिए गए, सैकड़ों महिलाएं और पुलिसकर्मी सभी सम्मानित किया गया। देखिए, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी और पूरे प्रदेश में भी एक मिशन शक्ति, एक व्यापक अभियान चल रहा है हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसी के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता को ध्यान में रखते हुए। और इस नवरात्रि का जो ये समय है हमारा, इसमें भी लगातार ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। उसी के क्रम में आज ये सभी हमारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है और हमारे जनपद में जो 11 थाने हैं सभी में इसका शुभारम्भ हुआ है। और यहाँ कोतवाली में कुछ हमारे जो महिला कार्यकर्त्री हैं, सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं तथा माननीय विधायक जी, इनके द्वारा स्वयं इसका उद्घाटन किया गया है। ये महिला हेल्प डेस्क महिलाओं की समस्या सुनने के लिए है, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी ही तैनात रहेंगी और उनकी समस्याएं सुनेंगी। इसी के क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं की समस्या और अपराध में बड़ी कमी आएगी जी बिल्कुल, और त्वरित उनको रिस्पॉन्स मिले। कई ऐसी समस्याएँ होती हैं जो महिलाएँ पुरुष पुलिसकर्मी से जो है साझा नहीं कर पाती हैं, तो इस चीज़ को और सहज और सरल पर मॉनिटर होगी कितने लोग आए, कितनी समस्या सुनेंगे, कितना निदान हुआ जी। सभी ऐसे महिला हेल्प डेस्क है वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होगा और प्रॉपर एक एक शिकायत जो वहाँ पे दी जा रही है उसका पूरा ब्यौरा होगा, उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसका भी ब्यौरा होगा और समय समय पर नियमित रूप से विभिन्न जो राजपत्रित अधिकारी हैं उसकी उनके द्वारा समीक्षा भी की जाएगी। सर, एक सवाल था, पिछले कुछ दिन में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, जिले में भी हुई है, कैसे कंट्रोल करेंगे इसे? देखिए, ये मिशन शक्ति जो है एक व्यापक अभियान चल रहा है जिसमें सरकार के सभी विभाग जुड़े हुए हैं, सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं है। एक जागरूकता का ये पूरा अभियान है जो सामाजिक स्तर पे भी होगा, सुरक्षा की दृष्टि से तो ये आवश्यक है ही, लेकिन जो एक सामाजिक चेतना है वो भी लोगों में आनी चाहिए। इसीलिए विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूलों में जाके, आंगनबाड़ी स्तर पर जाके, ग्राम स्तर पर जाके लगातार ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में कानून के प्रति सजगता आए और ऐसी चीज़ों को वो अवॉइड करें। बच्चियों के साथ भी घटना हो रही है कल हाथरस जंक्शन क्षेत्र में अपनी, उस तरह की बच्ची हैं और वो भी नाबालिग बच्ची हैं, इस तरह की घटना हो कैसे? जैसा कि मैंने बताया, एक सामाजिक चेतना की इसमें आवश्यकता है और सभी विभाग, शिक्षा विभाग है हमारा और जो समाज कल्याण विभाग है और पंचायती राज विभाग है, सभी विभाग ग्राउंड स्तर पर भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं और बिल्कुल इसमें जो है आगे चल के कमी आएगी, क्योंकि जब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तो स्वयं इस चीज़ में सुधार आएगा।